चैटरबॉक्स हब प्रेजेंट्स लॉट और शेरी भाग एक। नेहा, राजू को फोन करके बता दो कि जिम का केबल टूट गया है और कोने वाली ट्रेडमिल की मोटर भी चल गई है। और राजू आए तो क्रॉस ट्रेनर के नट बोल्ट कसने को भी बोल देना, बहुत आवाज कर रहे हैं, शेरी ने कहा। अच्छा, मैं अभी फोन कर देती हूँ, कहकर फ्रंट डेस्क पर बैठी नेहा राजू को फोन लगाने लगी। राजू जिम का नियमित सर्विसमैन है, जब भी जिम के इक्विपमेंट्स में कोई भी खराबी होती है तो वही आकर ठीक करता है। तभी जिम का मालिक संजीव आ गया। संजीव को देखकर शेरी के चेहरे पर चमक आ गई। वह संजीव के कैबिन में जाकर उसे बातें करने लगी। संजीव के शहर में 4 जिम थे, शेरी फिजियोथेरेपिस्ट थी और ट्रेनर भी। वह संजीव को उस दिन के काम का ब्यौरा देने लगी और नए एडमिशंस के बारे में बताने लगी। संजीव प्रसन्न हो गया क्योंकि शेरी ने पिछले हफ्ते नए एडमिशंस करवाए थे। विनीत ने उसके काम की तारीफ की तो शेरी खुश हो गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद संजीव शेरी को साथ लेकर अपने दूसरे जिम की ओर चला गया। दूसरे जिम में सब जगह चक्कर लगाने के बाद संजीव और शेरी कैबिन में जाकर बैठ गए। संजीव घर से नाश्ता लेकर आया था, दोनों ने बैठकर नाश्ता किया। 1 घंटे बाद संजीव तीसरे जिम में चला गया, शेरी वहीं रह गई और लोगों को एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग देने लगी। जिम बंद होने के बाद शेरी घर चली गई, वह एक छोटे से बेडरूम वाले फ्लैट में किराए पर रहती थी। शेरी कपड़े बदलकर सो गई क्योंकि जिम जाने के लिए वह सुबह 4:30 बजे उठती थी और शाम को वह फिर जिम में चली जाती थी। शेरी सागर की रहने वाली थी, उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक हैं। शेरी 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर है, उससे बड़ी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। चारों बहनों का पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई का खर्च उसके पिता जैसे तैसे चला रहे थे। वे शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। दरअसल 2 बड़ी बहनों का विवाह करने में वे गले तक कर्ज में डूब गए थे। शेरी फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई करके भोपाल आ गई। उसके पिता उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने में समर्थ नहीं थे, लेकिन महत्वाकांक्षी शेरी ने उस तंग हाली से बाहर निकलने के लिए कमर कस ली। थोड़े पैसे लेकर वह भोपाल आ गई, यहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर ली और वर्किंग वीमेन हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई भी करती रही। पढ़ाई पूरी होने के बाद शेरी ने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की। उसी दौरान अपनी एक सहेली के साथ वह संजीव के जिम आई। जिम के एक ट्रेनर से ही शेरी को पता चला था कि संजीव को एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। शेरी संजीव से मिली। खूबसूरत स्मार्ट शेरी के बात करने का अंदाज से विनीत काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने शेरी को अपने जिम में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर लिया। चतुर और महत्वाकांक्षी शेरी ने भी बहुत ही जल्द संजीव की नज़रों में अपनी खास जगह बना ली। साल भर में ही वह संजीव के चारों जिम के लिए इम्पॉर्टेंट काम संभालने लगी। उसने अपने लिए एक स्कूटी भी खरीदी और हॉस्टल छोड़कर फ्लैट किराए पर ले लिया। संजीव अपने बहुत कुछ काम शेरी पर सौंप कर निश्चिंत था। कुशाग्र बुद्धि शेरी बहुत जल्द ही मशीनों के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में भी सीख गई। पहले गाड़ी में साथ घूमना, बाहर खाना खाना, फिर एक के बाद एक सीमाएं टूटती गई। और जिस दिन शेरी ने हॉस्टल छोड़कर फ्लैट में शिफ्ट किया तो उस दिन के बाद से ही दोपहर हो या रात संजीव का आना जाना प्रारंभ हो गया। लेकिन जिम की एनुअल पार्टी में शेरी को ये जानकर गहरा धक्का लगा कि संजीव न सिर्फ शादीशुदा है, जल्द ही वह एक बच्चे का बाप भी बनने वाला है। शेरी उस दिन खूब रोई। 4 दिन तक वह जिम भी नहीं गई। उसने सागर लौट जाने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी संजीव ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए उसके माता पिता के पास भेज दिया और छोटे बच्चे की देखभाल के बहाने शेरी को कई महीनों तक अपने पास रखा। इस बीच उसने शेरी को अपनी मीठी मीठी बातों से मना लिया। मेरी किस्मत का दोष है कि तुम मुझे पहले नहीं मिली शेरी,
प्यार तो मैं तुम्हीं से करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊँगा? अगर तुम मेरे जीवन में पहले आ जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। मेरा सच्चा प्यार तो तुम ही हो शेरी, वह बार बार बोला तो शेरी भावनाओं में बह गई। वैसे भी वह संजीव के साथ काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई थी। उधर शेरी की माँ ने उसे बहुत बार वापस बुलाया कि पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, वापस आ जाओ। लेकिन बड़ा शहर और उस पर संजीव से रिश्ता और इन सबसे ऊपर जिम का आधुनिक व ग्लैमरस वातावरण, जिनके आकर्षण में वह ऐसी फंस गई कि घर वापस जाने को तैयार ही नहीं होती। फिर दिन भर दिन वह चारों जिम की जिम्मेदारियों में उलझती गई। 2 साल बाद संजीव ने अपने दोस्त की सेकेंड हैंड कार शेरी को दिलवा दी। अब शेरी कार से आती जाती। जिम के दूसरे ट्रेनर और पुराने कस्टमर्स शेरी और संजीव के रिश्ते के बारे में जानने लगे, मगर दोनों को ही कोई कुछ कहता नहीं था। संजीव की प्रतिष्ठा देखकर उसे तो कोई कुछ कहने की हिम्मत करता नहीं था, लेकिन ट्रेनर लोग आपस में बातें करते समय शेरी को संजीव की कीप यानी कि रखेल कहते थे। नेहा, जो जिम में शेरी की अच्छी सहेली थी, उसने ये बात उसे बताई थी। सुनकर शेरी को बहुत बुरा लगा, मगर करती भी क्या, बात कोई गलत तो थी नहीं, इसलिए वह खून का घूंट पीकर रह गई। एक दिन शेरी की माँ का फोन आया। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा है और घर परिवार रुपया पैसा सब कुछ है, बस अब तो यहाँ आ जा। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी मुझे पढ़ने और काम करने दो प्लीज, शेरी ने भरे स्वर से कहा। अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगी, शेरी की माँ झल्ला कर बोली। ओहो, तुम भी ना माँ, आजकल का लड़के इतनी जल्दी शादी करती हैं, शादी के बाद तो घर गृहस्थी में ही फंसे रहना है, कम से कम अभी तो मुझे चैन से और अपने मन की जिंदगी जीने दो, 2-4 साल बाद जैसा तुम कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगी। शेरी हर बार अपनी शादी की बात को 2-4 साल के लिए टालकर अपनी माँ को निरुत्तर कर देती और फिर से अपनी जिम की रूटीन में बिजी हो जाती। एक दिन जिम में 2 लड़के आए, उन्होंने 3 महीने का पैकेज लिया। शेरी ने दोनों का एडमिशन करवा दिया। एक लड़के का नाम सुनील था और दूसरे का नाम पीयूष था। दूसरे दिन से सुनील और पीयूष नियमित रूप से जिम आने लगे। शेरी ही उन लोगों को ट्रेनिंग देती। धीरे धीरे शेरी को लगने लगा कि सुनील उससे कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। वह कुछ भी पूछने या सिखाने के बहाने शेरी को अपने आसपास ही बनाए रखता। शेरी को भी सुनील अच्छा लगने लगा, वह भी उसके आसपास रहना पसंद करने लगी। आखिरकार सुनील देखने में बहुत हैंडसम जो था। संजीव के अलावा यदि किसी अन्य युवक ने शेरी को अपनी ओर आकर्षित किया था तो वो सुनील था। तो ये थी लॉट ऑफ शेरी के पार्ट 1 की स्टोरी। पार्ट 2 स्टोरी में आप सुनिए, क्या सुनील और शेरी का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा और क्या होगा जब संजीव को इन दोनों के बारे में पता चलेगा? सुनील और शेरी का रिश्ता जानकर क्या संजीव शेरी के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देगा या उससे बदला लेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप लॉट ऑफ शेरी पार्ट 2 ज़रूर सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आगे आने वाली कहानी लॉट ऑफ शेरी पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन स्टे ट्यून टू चैटरबॉक्स हब। थैंक यू। अजमेर।